अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरी आज की रेसिपी है सूखी सेवैयाँ। ये बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सेवैयाँ ली है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। 2 चम्मच मैंने घी डाला है इसमें। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें सेवैयाँ डाल देंगे। सेवैयाँ को हमें ब्राउन कलर में आने तक भूनना है, लो फ्लेम पर ही भूनना है हमें, हाई फ्लेम पर चूल्हा ना रखे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिक्स करते हुए भूनना है हमें। अच्छी तरह से करेंगे, मिक्स करेंगे, फिर से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए भुनना है। देखिए हमारे सेवैयाँ हैं अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे, थोड़ा ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, फिर से थोड़ा ऐड करेंगे। मिक्स करते हुए हमें मिल्क को ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ज़ाफ़रान कलर ऐड करेंगे। अगर आपको रेड चाहिए तो रेड भी ऐड कर सकते हैं, या ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज कलर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करा है मैंने। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 2 मिनट तक ढक कर रखेंगे। 2 मिनट तक मैंने कुक करा है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी ऐड करें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चीनी ऐड करने के बाद। फिर से ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स को मैंने रोस्ट नहीं किया है, ऐसे ही भिगो के रखा था, उसे कट करके मैंने ऐड करा है। इस तरह से करने से ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से आएगा। अब इसे हम 2 मिनट तक ढककर रखेंगे। देखिए हमारे 2 मिनट हो गए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच घी ऐड करेंगे, फिर से मिक्स करेंगे। हम इसे 2 मिनट तक कुक करेंगे ढककर। देखिए हमारे 2 मिनट हो गए हैं। लो फ्लेम पर कुछ देर तक हम इसे कुक करेंगे, मिक्स करेंगे। देखिए अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, इसे निकाल लेंगे। हमारे सेवैयाँ बनके तैयार है।